सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली, अभी करंट अफेयर्स मेंटोर, वेलकम टू सीयूटी बाय आटा 24/7। अभी मुझे लगा दैट वॉइस इज नॉट कमिंग, या नाउ वॉइस इज कमिंग, डोंट वरी, ठीक है, वॉइस आ रही है, टेंशन मत लो सभी लोग, राइट। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैम ने ये बिल्ली की वीडियो क्यों लगाई हुई है। क्यों लगाई है बिल्ली की वीडियो? इसलिए लगाई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि वो धीरे 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 ऊपर चढ़ रही है ना। वैसे ही आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन है, सीयूटी 2023 अब एकदम पार पर है, ठीक है। मैम वॉइस आ रही है? आ रही है वॉइस? हाँ, यस यस, तो वॉइस अभी आ रही है। सो सीयूटी 2023 एग्जामिनेशन अभी आपके एकदम फोकस है, आप उस पर अपने गोल पर आप एकदम फोकस्ड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना। अभी आपको करना क्या है? सबसे पहले सिलेबस को ओवर करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको जितने भी प्रीवियस या पेपर्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को चढ़ोगे ना, तो आप आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। और डोंट लूज होप, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम है ना, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको फर्म रहना है और आगे बढ़ते जाना है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का सेशन इवनिंग में हुआ है, एंड मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे विद अ वेरी वार्म इवनिंग गाइज। सो आज का ये लास्ट क्लास है, एंड बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास होगा, ठीक है। फटाफट से आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार धुआंधार तरीके से सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग ओम प्रकाश, सानवी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग खुशी, भाव, दामिनी, श्रुति, एवरी वन गाइज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन। सो इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? सेशन में जैसा आप सभी को बताए, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस रहेगी, यहाँ पर हम MCQs को भी करेंगे, जनरल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे, दैट इज स्पोर्ट्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे खेल के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीयूटी 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि दूरंद कप, कप्स एंड ट्रॉफीज में दूरंद कप किससे रिलेटेड है। तो दूरंद कप किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और अभी हाल ही में न्यूज में संतोष ट्रॉफी थी, संतोष ट्रॉफी, अभी हम आगे देखेंगे भी, तो ये भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो कप्स एंड ट्रॉफीज आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे रिविजन करेंगे जनवरी के पार्ट वन का। अभी तक हमने दिसंबर का पार्ट 1, 2, 3 ओवर कर दिया था, और आज हम दिसंबर का यहाँ पे पार्ट, जनवरी का पार्ट वन करने वाले हैं। सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने डाउट्स जो भी हैं, ठीक है, आपके बैचेस से रिलेटेड कुछ भी, तो आप गूगल फॉर्म पर फटाफट से आप भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, पर्सनली कुछ पूछना हो, आपको लग रहा है पूछना है, तो आप मेल कर दीजिएगा मुझे, vaishali.pandey@atta247.com पे, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास मतलब आज दिन की लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास नहीं है बच्चे, दिन की लास्ट क्लास है, ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड डूइंग गुड। उत्तम प्रकाश, रिचा सिंह, चलिए स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से। और आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है। आप इन महिला को देख पा रहे होंगे, सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार टुक ओथ एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिकी, FICCI का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से सभी लोग देखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स फोकस ऑन द सेशन नाउ, ठीक है। चलिए, सुधा शिव कुमार है, उनको फिकी महिला संगठन का 40th अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, सुधा शिव कुमार, इनका जो नाम है, इनका नाम क्या है, सुधा शिव कुमार, इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है गाइस, 40th प्रेसिडेंट आपके फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका FLO क्या है, दैट इज फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपका ओल्डेस्ट विमेन लेड विमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में। हमारा प्यारा भारत एशिया से ही बिलोंग करता है यहाँ पे, और ये जो है विमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है आपका साउथ ईस्ट एशिया का। तो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, सुधा शिव कुमार को 40th प्रेसिडेंट यहां पर बना दिया गया है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का। इज दैट क्लियर गाइज, इज दैट क्लियर? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्वाइन कर लो फटाफट सेशन को, राइट। चलिए, तो फोकस करेंगे नेक्स्ट। आपने गाना सुना होगा, अगर आपको याद हो तो,
खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला, है ना। तो वो जो बनारस वाला पान है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। तो ये जो बनारसी पान है आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो बनारस का पान है ये स्थित तीन अन्य सामानों को यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज में है क्या। सुना ही है ना, खाए के पान बनारस वाला, है ना। तो अप्रैल 3, 2022 को ये जो बनारसी 2023 राइट, ये जो बनारसी पान है ये आपके अमिताभ बच्चन का जो फेमस सॉन्ग है खाई के पान बनारस वाला, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर टैग दे दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो बनारसी पान को तो दिया ही गया है, ये आप सभी को पता है कि इसका टेस्ट जो भी साउथ से है या जो भी कहीं और से किसी और स्टेट से है वो याद रखिएगा। कभी आप बनारस जाइएगा ना तो बनारस का पान जरूर खाइएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो बनारसी पान है इसका टेस्ट बड़ा ही अलग है, यूनिक टेस्ट है इसका। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम अंदर उसमें डाला जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो बनारसी लजेंडा मैंगो और आपका रामनगर, यही जो आपका ब्रिंजल है बैगन, है ना, यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। और साथ ही आदमचीनी राइस यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हिंदी में देखें तो 3rd of April 2022 को बनारसी पान जिले अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध की खई के पान बना रसवाला में चित्रित किया गया। जो भौगोलिक संकेत जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जानते हैं उसको मिल चुका है। साथ ही साथ ये जो पान है बनारस का पान, ये विशिष्ट, इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी है और ये अनूठे मिश्रण से बना हुआ है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर का जो ब्रिंजल बोलते हैं बैगन बोलते हैं वो है, और साथ ही साथ आदमचीनी चावल है जिसको GI टैग इसके अलावा यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, कौन खाएगा। अच्छा, गुरु जी के चेला भी आए हैं भाई साहब, पीयूष रौनक, आई एम फ्रॉम बनारसी। तो तुमने कभी खाया है। एक बार मेरे यहाँ हुआ था जब हम लोग गए थे, वहाँ पे एग्जीबिशन था, हैकाथॉन था, तो हमने खाया था बनारस का पान। इट वॉज सुपर टेस्टी गाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी बिकम्स द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर, फोर्ब्स बिलियनेयर 2023 की लिस्ट है। यहाँ पर मुकेश अंबानी बन चुके हैं क्या सबसे अमीर खेल मालिक यहाँ पर बन चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक लिस्ट यू नो जारी की गई है फोर्ब्स की तरफ से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोर्ब्स बिलेनियर लिस्ट। यहाँ पर जो आपके अरब पति भी नहीं कहूंगी, अरब पति हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट नंबर सबसे अमीर खेल मालिक बन चुके हैं। और ये अगर आप लिस्ट को देखें तो नीचे नंबर पे बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे वो हैं, बट हमारा इंडिया सबसे ऊपर है इसमें। ठीक है, तो मुकेश अंबानी इनको रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर फोर्ब्स बिलियनेयर लिस्ट 2023 की लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर पर है। इनकी जो टोटल वर्थ है वो कितनी है, नेट वर्थ इनकी $83.4 बिलियन है। इसके साथ ही साथ इन्होंने लॉस एंजलिस की ये जो आपकी स्टीव बाल्मर है, ठीक है, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। थोड़ा सा अगर हम लिस्ट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ भी देखिएगा, आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में मुकेश अंबानी सबसे अमीर खेल मालिक बन चुके हैं। मुकेश अंबानी प्यारे भारत इंडिया से हैं, और इनकी टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस। IPL चल ही रहा है ना, कौन कौन देख रहा है IPL, है ना, पंजाब में रेन हो रहा है। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में था सौराष्ट्र, बिल्कुल। तो मुकेश अंबानी इंडिया से हैं और मुंबई इंडियंस इनकी टीम थी। $83.4 बिलियन इनकी वर्थ है और इनको यहाँ पर बना दिया गया है रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर, बना क्या दिया, ये बन गए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं, और जो कि करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, PROBA 3 मिशन विच विल बी लॉन्च्ड अबोर्ड इसरो PSLV इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। इसरो के जो PSLV पर लॉन्च किया जाने वाला PROBA 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, फटाफट से बताइए। हाँ मैम, IPL चल रहा है, बिल्कुल मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में BTECH करने के लिए क्या कट ऑफ चाहिए, तो उसकी कट ऑफ, हर एक उसकी कोर्स की अलग कट ऑफ है। किस कोर्स के लिए पूछ रहे हो तुम। चलिए, इसका आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर यह विल बी है, अरे ये कैसे हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बताओ इसका आंसर फटाफट से क्या होगा। वैसे इसका आंसर यहां पर क्या है, ESA, ठीक है, इसका आंसर क्या है गाइस, इसका आंसर यहाँ पे ESA हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर विल बी बी दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द राइट आंसर. यूरोपियन स्पेस एजेंसी आंसर हियर विल बी बी. ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबा 3 मिशन है लॉन्च, ये लॉन्च किया गया था अबाउट इसरो पीएसएलवी, ये किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? ये आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको याद रखना है. अगर हम पर्टिकुलरली इसरो की बात करें, पिछली बार आपके एग्जामिनेशन में इसरो से आया था क्वेश्चन, हु इज दी, यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है इसरो के, हु इज दी चेयरपर्सन ऑफ इसरो, यहाँ पे इसरो के चेयरपर्सन कौन है, फटाफट से बताइए. हु इज दी चेयरपर्सन? डॉक्टर एस सोमनाथ, याद रखिएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ यहाँ पे आपके चेयरपर्सन हैं यूरोपियन इसके क्या बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज इसरो के. ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, इसका आंसर यहाँ पर बी होगा, आंसर हियर विल बी बी. ठीक है, अच्छा अगर हम थोड़ा सा इसके को, आंसर हियर विल बी व्हाट? आंसर हियर विल बी बी. ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द राइट आंसर. थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये. देखिए अगर इसके बारे में बात की जाए, देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जो आपकी प्रोबा 3 मिशन है, ये इन्होंने लॉन्च किया है इसरो का पीएसएलवी 2024 में, ऐसा बोला है कि ये करेंगे. और साथ ही साथ इट्स टू सैटेलाइट विल स्टडी द सन फेंट कोरोना एंड सराउंडिंग द एटमोस्फियर. ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपकी यहाँ पे जो लॉन्च कर रहे हैं इसरो का पीएसएलवी 2024 में, ये 340 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट होगा जिसको डिप्लॉय किया जाएगा आपके हाई अर्थ ऑर्बिट पर. ठीक है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड 19.7 आवर्स यहाँ पर होगा. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि प्रोबा 3 मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे इसरो पीएसएलवी, यू नो जिसको अबॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है. इज दैट क्लियर गाइज? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज अ फेमस पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन विच कंट्री? ये जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, ये किस देश की प्रसिद्ध राजनीति पार्टी है? फटाफट से बताइए सभी लोग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैम कल 9 PM पर ही होगा? नहीं नहीं, कल आपका सेशन सुबह 7 बजे है, 7 AM पर आप सभी को यहाँ पर ज्वाइन करना है. बिल्कुल, एस सोमनाथ आपके चेयरपर्सन है, बिल्कुल सही है, कल लाइव होगा सेशन सुबह 7 बजे. ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी म्यांमार. ठीक है, म्यांमार इसका सही आंसर है. सो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ये किस देश के प्रसिद्ध राजनीति पार्टी है? ये आपकी म्यांमार से है. ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें, तो ये जो आन सांग सूकी का नाम आपने सुना ही होगा, ये आपकी ये जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उसको लीड करती थी. ठीक है, सो आन सांग सूकी के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का म्यांमार की सेना द्वारा लगाए गए एक कठिन नए पार्टी पंजीकरण कानून का पालन करने से इनकार कर दिया था, और ये यहाँ पर पूरी तरीके से गिर गई है, उसको बंद कर दिया गया इस पार्टी को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. विच सिटी इज द होस्ट फॉर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? कौन सा शहर गाइज, कौन सा शहर संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? मैम मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास होती है ऐप पर, प्रबल बैच. अच्छा जी, सुबह 7 बजे आप सभी को मेरे साथ ज्वाइन करना है लाइव. ठीक है, नेहा कुशवाहा, क्या क्या क्वेश्चन है बच्चे आपका? मैम हनी सर का कब है क्लास? अभी का सुबह क्लास होती है हनी सर की भी, है ना, पॉइंट्स रीजनिंग और उसकी. ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर विल बी भोपाल. आंसर यह विल बी भोपाल. तो कौन सा शहर जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये आपका कर रहा है भोपाल. क्लियर है गाइज? चलिए फटाफट से नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. जांग पलबुंग जंडोयक पालरी मोनास्ट्री इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? याद रखिएगा, जंग पालबुंग जंगडोक पलरी मठ किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट से सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा. फटाफट से सेशन को लाइक कर दो गाइज, शेयर कर दो, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग. ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है. तो जंग पालबुंग जंगडोक पलरी मठ, ये जो है जंग पालबुंग जंगडोक पलरी जो मोनास्ट्री है, ये आपकी किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आपके अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, ओके इन्फिनिटी ड्रीम्स, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं क्या है. विच कंट्री हैज रिसेंटली एग्रीड टू ज्वाइन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायलॉग पार्टनर? याद रखिएगा, हाल ही में कौन सा देश
शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदारी के रूप में शामिल होने में सहमत हुआ है। सभी लोगों को याद रखना है, इसके बाद हम जनरल नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस, बताइए। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल करने के लिए सहमत हुआ है? आंसर विल बी सऊदी अरेबिया। वेरी गुड, ना ना, आंसर विल बी सऊदी अरेबिया, बी इज द राइट आंसर गाइस। वेरी गुड, खुशी, खुशी ने सही आंसर दिया है इसका, बी इज द राइट आंसर। अगर हम थोड़ा सा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर किधर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? बेंजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पर फाउंडर्स इसके चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इतना ही है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है, तो ये आपके बिंजिन में, और बिंजिन कहाँ पर है? चाइना में, चाइना का कैपिटल है बिंजिन, है ना? ठीक है, ठीक है नेहा कुशवाहा, बिल्कुल डन। चलिए, सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड द एमसीक्यू सेशन। अब हम जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ हमारी प्रतिज्ञा बैच के बारे में। गाइज, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और 40 डेज की क्लास है और सब इतना रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई कांट से यू नो आई कांट टेल यू, बहुत रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ क्लास में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी तक जिन्होंने सच में नहीं ज्वाइन किया है, फटाफट से जाके इस बैच को परचेज कीजिए। ढाई ढाई 2,500 का है ये बैच कोड यूज करने के बाद, और जो कोड आपको यूज करना है वो आपका है Y455। इस कूपन कोड को आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। Y455 यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, इस कोड को आप सभी लोग यूज कीजिएगा, Y455, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखते हैं जनरल नॉलेज। और यहाँ पे आज का टॉपिक धुआंधार, जबरदस्त, धमाकेदार सब है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स, आज आपका फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट सब ओवर हो गया है, फटाफट से बढ़ते हैं, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ते हैं और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जनरल नॉलेज में। और स्पोर्ट्स में ये जो आपकी लिस्ट दी रखी है ना, अभी हाल ही में जिनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था ये, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी गुकेश की। तो डी गुकेश गाइस, इनको मिला है टाइटल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ ये जो इवेंट था वो कौन सा था? एशियन चेस फेडरेशन, कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेस्विन अल्ड्रिन, जेस्विन अल्ड्रिन है गाइस, इनको टाइटल मिला है मेंस लॉन्ग जंप में, इन्होंने जीत हासिल की थी AFI नेशनल जंप्स कंपटीशन में। और ये आपकी कहाँ पर हुआ था? कोचिकोड़े, है ना। आज आज आप अपने प्रतिज्ञा बैच में पढ़ा होगा, कोचिकोड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? केरला में है। कोचिकोड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका, कर्नाटका में जो आपको मतलब कर्नाटका को नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से नवाजा गया, और वो ट्रॉफी कौन सी थी? संतोष ट्रॉफी थी गाइस, ठीक है। कहां पर हुआ था ये? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप आपके सऊदी अरेबिया में हुआ था। क्लियर है गाइस, क्लियर है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन की अगर बात की जाए तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इनको मिला है। और गाइस ये कहां पर हुआ था? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये हुआ था साखीर बहरीन में, साखीर बहरीन में, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको अड्डा 24/7 के कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगी। सभी को पता होगा अड्डा 24/7 गाइज, अड्डा 247 का कम्युनिटी टैब है, ठीक है। कम्युनिटी पर, कम्युनिटी आप सभी लोग उस कम्युनिटी को जाएंगे तो वहां पर आपको वैशाली मैम का दिख जाएगा करंट अफेयर्स का, तो आप सभी लोग उस कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाय उदय, हाउ आर यू? चलिए आगे बढ़ते हैं, एशली गार्डनर की बात करते हैं गाइस। तो एशली गार्डनर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इनको मिला है विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। याद रखिएगा, एशली गार्डनर और हैरी ब्रूक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एशली गार्डनर को विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, और मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? हैरी ब्रू को, हैरी ब्रू को, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं ईरानी कप 2022-23 के फाइनल की, तो ये जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है ये आपका यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ये इनको टाइटल मिला है। और ये कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में गाइस, ग्वालियर में, ठीक है। राइट,
जयेश जायसवाल, स्टूडेंट ऑफ डेल्टा बैच, प्लीज गिव दी पीडीएफ ऑफ मंथली. ठीक है, मैं जल्दी दूंगी. ठीक है इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं. रोहन बुनप्पा मैथ्यू एबडन, तो यहाँ पे एटीपी मास्टर्स 100 मिला है, और ये कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया में. अच्छा, पंकज आडवाणी की बात की जाए, पंकज आडवाणी को एशियन बिलीनियर्स का टाइटल मिला है. ठीक है, सर्गियो परेस को सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द 2023 फॉर्मूला इन्होंने जीता है, और ये आपको जो टाइटल है वो कौन सा टाइटल है? सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स. क्लियर है? आयुषी पूछती है, मैम बता दीजिए करंट अफेयर्स कब से कब तक का आएगा? बेटा आपका, अगर आप दिसंबर से तैयारी करते हो ना, दिसंबर से, तो तब से आपका डन हो जाएगा. ठीक है, दिसंबर से आप पढ़ना स्टार्ट करो, और आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सेशन होता है डेली, बस आपको इतना ही देखना है. इसके बाद मैं आपको जनवरी का रिवाइज कर रही हूँ, पिछले 3-4 क्लासेस में दिसंबर का करवा दिया है. ठीक है, ठीक है, ओके. खुशी, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम. आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस की बात करते हैं. मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो विमेन प्रीमियर लीग 2020-23 का टाइटल मिला है गाइस, और ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई में. कहाँ पर हुआ था गाइस? मुंबई में. ठीक है, सात्विक सैराज रेड्डी और चिराग शेट्टी 2023 डबल्स जीता इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल्स में, जो कि आपका बेसल में हुआ था. और ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है लेशिंडा डैमस को आपके विमेंस 400 मीटर हर्डल्स में, और ये कहाँ पर हुआ था? लंदन में. ठीक है, चलिए. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बार 2022 की बात करूं, सीयूटी 2022 की बात करते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, दूरंद कप किससे रिलेटेड है? मैं आपको बता भी रही थी कि दूरंद कप का पूछा गया था. तो दूरंद कप किससे रिलेटेड है? आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, राइट? तो ये कुछ स्पोर्ट्स गेम दिए गए हैं, और कप्स एंड ट्रॉफीज दिया गया है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि पोलो किससे रिलेटेड है, ये लाइक इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया हुआ है. तो पोलो की अगर बात की जाए, तो पोलो की बात करेंगे तो पोलो में कौन कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज दिए जाते हैं? ठीक है, किसी को पता है यहाँ पे पोलो में किसको किसको मिलता है गाइस? कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करेंगे तो पोलो में किसको किसको दिया जाता है? राइट 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 राइट. तो पोलो की बात करेंगे तो पोलो में आपका इजरा कप देते हैं, और यहाँ पे विंचेस्टर कप, राधा मोहन कप, और यहाँ पे जो वेस्ट चेस्टर कप मिलता है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? इसरा कप है, और आपकी विलिंगडन ट्रॉफी है गाइस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट आपका विलिंगडन ट्रॉफी और इसरा कप है. ठीक है, आगे अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन्स के लिए थॉमस कप सबसे इंपॉर्टेंट है, और उबेर कप आपके वुमेन्स के लिए है. मेन्स कप आपका मेन्स के लिए थॉमस कप, और वुमेन्स के लिए उबेर कप. ठीक है, क्रिकेट की अगर बात की जाए, तो क्रिकेट में हम दुलीप ट्रॉफी देते हैं, और आपकी दियोदर ट्रॉफी देते हैं, यू नो, आपके क्रिकेट के फील्ड में. फिर आता है टेबल टेनिस में आपका मिलता है स्वाथलिंग कप, मेंस को स्वाथलिंग कप, और वेमेंस को आपके कॉर्बेलन कप देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बॉक्सिंग. बॉक्सिंग में हम एसपाई अर्जानिया ट्रॉफी दिया जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट इस बार पता है तुमको क्या है? क्या आने वाला है पेपर में? गेस व्हाट, क्या आने वाला है पेपर में? इस बार के पेपर में आएगा आपका क्या? आपका आएगा ये संतोष ट्रॉफी, क्योंकि हाल ही में संतोष ट्रॉफी न्यूज में था, है ना? तो संतोष ट्रॉफी, अभी अभी आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने देखा हो संतोष ट्रॉफी, मैंने यहाँ पर पढ़ा है, ये देखो, कर्नाटका को मिला है संतोष ट्रॉफी, कर्नाटका को मिला है संतोष ट्रॉफी, और किसमें मिला है? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में, है ना, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था. तो संतोष कप किससे यहाँ पर रिलेटेड है? संतोष कप किससे रिलेटेड है बताओ, सभी लोग बताओ. संतोष कप रिलेटेड है आपके फुटबॉल से, याद रखिएगा. ठीक है, पिछली बार क्या आया था? पिछली बार दूरंद कप आया था. दूरंद कप किससे रिलेटेड है? आपके फुटबॉल से रिलेटेड है ना? तो वैसे ही आपका संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? आपका फुटबॉल से. फिर गोल्फ की बात करते हैं. गोल्फ में आपका वॉल्कर कप और आपका राइडर कप दिया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्फ. फिर आता है आपका हॉकी, एक ही कप है जो हमेशा मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका आगा खा कप हॉकी. ठीक है, हॉकी से आपका रिलेटेड है, राइट? सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स एनालिसिस एमसीक्यू सेशन. हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज भी कंप्लीट कर लिया है. फटाफट से अब हम रिविजन करेंगे जनवरी का पार्ट 1, और आगे बढ़ते हैं अपने धुआंधार क्वेश्चन पर. और मैं थोड़ा सा छोटू सी हो जाती हूँ, जिससे आपको भी यहाँ पर दिखाई दे, है ना? सही है ये? चलो फटाफट से अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. Who has launched the Stay Safe online campaign and the Digital Innovation Alliance DIA program recently? So हाल ही में Stay Safe online अभियान और Digital Innovation Alliance जो कार्यक्रम है, ये किसने शुरू किया है? फटाफट से बताओ, सभी लोग बताओ फटाफट से.
राइट, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शोभा सेन बोलती है, मैम अगर जनरल टेस्ट के लिए बुक लेनी हो तो कौन सी बुक लेंगे? अड्डा 24/7 की हमारी बुक है जनरल टेस्ट की, आप उसको परचेज कर सकते हो। अड्डा 24/7 की जनरल टेस्ट की बुक है, परचेज कर लेना, यूज कोड Y455, इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ठीक है, आंसर बताओ फटाफट से। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी ई, अश्विनी वैष्णव, हमारे रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम भी हाल ही में। वेरी गुड वेरी गुड वंशिका, उत्तम, रिक्चन, शालिनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई हैव नो आइडिया सिद्धि की एमबीए के लिए कट ऑफ क्या होगी इस बार, वो पैटर्न वो आपके लेवल पर डिपेंड करता है किस लेवल का आपका पेपर आएगा। ठीक है धनुष, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकयुक्त बिल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकयुक्त विधेयक बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। योर आंसर हियर विल बी ए, दैट इज महाराष्ट्र। योर आंसर विल बी महाराष्ट्र। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें महाराष्ट्र की, चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे आपके क्या है? चीफ मिनिस्टर है। क्लियर गाइस? मैम आपका खुशी बोल दी, मैम आपने नंबर चेंज कर लिया है क्या अपना? नहीं बच्चा, वही नंबर है मेरा, तो बेटू वही नंबर है। नाइस टू मीट यू अगेन रोनी, इतने प्यारे प्यारे हो ना, रियली लव यू ऑल गाइज। ठीक है, पता है बहुत अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन 100% होगा और इसी इसी बैच से होगा। ठीक है बिल्कुल, महाराष्ट्र। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज ऑर्गेनाइज द बिजली उत्सव इन द बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? सो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? बिजली उत्सव का आयोजन किया है कौन? प्लीज बोलते मैम बहुत डर लग रहा है आपको, पता है आपने वो सुना होगा, डर के आगे क्या है? जीत है। डर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, डर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डरोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, तो डर लगेगा तभी आप पढ़ाई करोगे। देखो कोई भी क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हमें उसके लिए पूरा प्रयास करना होता है। जब हम अपना 100% भी देते हैं ना, तो ईश्वर देखता है एंड दे गिव यू अलॉट। ठीक, इसीलिए तो आपको एकदम फोकस करके बस करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है राइट, आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर विल बी ई, दैट इज REC लिमिटेड। ये वर्थ इट है, वर्थ इट, जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा करने वाली है। सो इट इज वर्थ इट, लगे रहो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है मैम, लेट क्यों, अब तो बताइए, आई एम टेंस। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटू, आंसर विल बी REC लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश। हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? CVC। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? फटाफट से बताओ मैम। पंजाब स्कोर 127/20 ओवर्स। अरे बहुत बढ़िया, देखो IPL चल रहा है साथ ही साथ, है ना? कुछ लोग तो IPL में बिजी हो। आंसर विल बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड एडिसन अरेंटेस, डू नासिमेंटो, नाम है बेटा नाम, क्या नाम है? एडिसन अरेंटेस डू नासिमेंटो, फेमसली कॉल्ड डैश, हैज बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। राइट, सो ब्राजील के फुटबॉल के दिग्गज एडिसन अरेंटेस डू नासिमेंटो, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, वो 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो आंसर इनका क्या होगा? पेले। आप सभी को पता है इनको क्या बोला जाता था? पेले, है ना? पेले, राइट मैम? मैम आप हैं तो क्या, मैम आप हैं तो क्या गम है, आप हमारा सिलेक्शन करवा के रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल डन मैम, आपके वीडियोस प्ले यूट्यूब पर, किस नाम से हैं प्लेलिस्ट यूट्यूब पर? आप GA बाय वैशाली पांडे सर्च करना आ जाएगा, सॉरी करंट अफेयर्स बाय वैशाली पांडे CUT 2023 आ जाएगा, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पर देखो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो मिल जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। मनोहर लाल मैम के नाम से सर्च करो आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया मैम, CUT ओनली संडे को होता है क्या? नहीं नहीं बच्चा, हमेशा होता है बेटू। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम?
आंसर हियर विल बी एमेजॉन। आपका होमवर्क क्या है पता है? व्हाट इज योर होमवर्क टुडे? आपको पता करना है कि सीईओ कौन है अमेजॉन के। हु इज द सीईओ ऑफ अमेजॉन? सीईओ कौन है अमेजॉन के? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डैश कोलैबोरेटेड विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली टू डेवलप अ स्वस्थ गर्भ ऐप। सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान डैश में क्या स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली का सहयोग किया है। तो कौन सा आईआईटी है फटाफट से बताओ सभी लोग। सोनम, गीता देवी जी, बहुत बढ़िया। मार्क जुकरबर्ग, बहुत बढ़िया। आंसर यहां पर क्या होगा? योर आंसर विल बी दैट इज आईआईटी रुड़की। वेरी गुड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने कोलैबोरेट किया एम्स न्यू दिल्ली के साथ ताकि हम स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हु हैज वन द इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप इन ऑलमाइटी कजाकिस्तान। अल्माइटी कजाकिस्तान में फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंग चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है बताओ। बहुत बढ़िया। आंसर हियर विल बी बी दैट इज आपके कुनेरू हम्पी हैं, इन्होंने जीता है इंडिया का पहला सिल्वर मेडल फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप में। क्लियर है गाइज? हाँ चलिए। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड दी एम सी क्यू सेशन ऑफ टूडे। और हमने जनरल नॉलेज किया है, हमने जनवरी का पार्ट वन यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक प्रतिज्ञा बैच नहीं एनरोल की है, फटाफट से जाके प्रतिज्ञा बैच को अड्डा 24/7 के स्टोर से कर लिए। काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, 40 days आर लेफ्ट, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप इस बैच को परचेज करोगे या कोई भी मॉक परचेज करो, कुछ भी करो, कोड यूज करना है Y455। ठीक है, और इस कूपन कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर गाइस? राइट। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। कौन पूछ रहा है? कंप्यूटर रिलेटेड भी आएगा। मुकेश बोलते हैं मैम क्या मैम कंप्यूटर रिलेटेड भी आएगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी? अगर मैं पीजी की बात करूं, पीजी में आपका कंप्यूटर भी आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप कंप्यूटर अलग से पढ़ लेना। लेकिन अगर मैं यूजी की बात करूं अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए, तो यूजी में कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपका कॉइंट्स रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स आएगा आपके पेपर में। आपका जो जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये कुछ भी नहीं आने वाला। सिर्फ स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, कॉइंट्स और रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। और मैं थोड़ा सा ना बड़ी हो जाती हूँ, तुम लोगों को दिखाई दीजिए। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने नए दिन के करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज। जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। मेरी क्लास प्रतिज्ञा बैच में सुबह 9 से 10 होती है। ठीक है, 9 से 10। अभी सिमी बोलती है अगर मैं अभी स्टार्ट करूं तो हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। राइट, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।